नहीं पीटे हैं कि मतलब पीटे भी बन गए ये मैं आप लोगों को सच शेयर कर देता हूँ। अब पहले अपना माइक बंद कर लें, अपने माइक बंद कर लें। हाँ जी, थ्री आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एडलर की जो थ्योरी थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसको हम स्टडी करेंगे। अब थ्री बेसिक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम थ्री, ये कौन है, माइक क्यों ने बंद कर रहा, निम्रा अर्शद। द बेसिक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, देयर आर थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जिंदगी दैट एवरीवन मस्ट मीट इन ऑर्डर टू फंक्शन इन अ हेल्थी साइकोलॉजिकल वे। तीन बुनियादी जो मसाइल होते हैं जिंदगी में, एक जिनमें एक सेहतमंदाना जो नफसियाती काम, अगर आपने सेहतमंदाना नफसियाती तौर पर बेहतर जिंदगी गुजारनी है या हेल्थी वे आप कह सकते हो, सेहतमंदाना नफसियाती जिंदगी गुजारने के लिए हर बंदा अपनी जिंदगी में इन तीन कामों से जरूर मिलता है, यानी कि उसका सामना इन तीन कामों से जरूर होता है। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, तीन जो है, एक तो सोसाइटी है और दूसरा कॉमनर लाइफ है, यानी कि आपका इज्तमाई जो जिंदगी है, वर्क है, लव है। ये तीन चीज़ें होती हैं जिसका सामना हर बंदे को अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। एक सेहतमंदाना नफसियाती तौर पर या साइकोलॉजिकली वे में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, या अच्छे तरीके से वो काम नफसियाती काम सर अंजाम देने के लिए। इन रिगार्ड टू द कॉमनल लाइफ, अगर हम इज्तमाई जिंदगी की बात करते हैं, एडलर थॉट दैट टू बी फुली ह्यूमन वी मस्ट लर्न टू अफर्म आवर फंडामेंटल कनेक्शन टू अदर। एडलर का ये कहना था कि अगर आप एक मुकम्मल इंसान बनना चाहते हो, वी मस्ट लर्न, हमें लाजमी तौर पर सीखना चाहिए जो बुनियादी रवाबत होते हैं दूसरों के साथ, उसकी हमें इंश्योरेंस, यानी कि एक बंदा जो कन्फर्मेशन देता है ना कि आप ये काम सही कर रहे हो, ये चीज़ें ज़रूर हमें सीखनी चाहिए दूसरों से कि क्या वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो हमें इस चीज़ के यानी कि कर रहे हैं कि ये हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एंड मस्ट ट्राई टू बिल्ड एज मैनी कॉन्स्ट्रक्टिव, और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम तमीरी कामों में पार्टिसिपेट करें। रिलेशनशिप एज वी कैन एज वी जर्नी थ्रू लाइफ, जितनी हमारी जिंदगी है जिस हद तक हम कर सकते हैं हमें ये काम करने चाहिए। ही मेंटेन्ड दैट द ओनली सिक्योरिटी ऑफ विच वी कैन बी श्योर इज द सिक्योरिटी दैट ओरिजिनेट इन द गुड विल ऑफ आवर फेलो ह्यूमन बीइंग। उसने कहा कि अगर हम अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी, हकीकी सिक्योरिटी तब ही सिक्योरिटी कहलाएगी जब हम इंसानों की फलाह बहबूद के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल डोंट अडोप्ट दिस कंस्ट्रक्टिव पाथ, बदकिस्मती ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस तमीरी रास्ते के पर नहीं आते, एंड इंस्टेड ट्राई टू फील सिक्योर, और वो इसकी बजाय अपने आप को सिक्योर करने के लिए आइसोलेटेड हो जाते हैं, दूसरों से अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों से। द टेक्निक ऑफ आइसोलेशन, ये जो आइसोलेशन की टेक्निक है, वो एवर लीड टू स्नोबरी, ये हमें स्नोबरी की तरफ लेके जाती है, भाई गोटरी की तरफ लेके जाती है, नफरत की तरफ लेके जाती है, हसद की तरफ लेके जाती है, और इसके साथ साथ जेलसी की तरफ लेके जाती है, वहम की तरफ लेके जाती है, शको शुबहात की तरफ लेके जाती है, और अपने ऊपर ज्यादा एतमाद करने की तरफ लेके जाती है अपन, एंड रिजल्ट ओनली इन द टेम्पररी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। नतीजा क्या निकलता है कि आर्जी तौर पे हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, दूसरों से अलग होकर आर्जी तौर पे सिक्योर फील कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एडलर, एडलर के मुताबिक वर्क आल्सो इज नेसेसरी, काम भी जरूरी है इफ द सोसाइटी इज टू फंक्शन प्रॉपरली एंड प्रोस्पर, अगर तो माशरा सही तरीके से काम करेगा और खुशहाल होगा। एंड ऑल ऑफ अस नीड टू लर्न दी स्किल नेसेसरी
और हम सबको जरूरत है कि हम वो सारे काम सीखें, वो सारी महारतें सीखें जो कि हम एक जिंदगी के अंदर असरअंदाज हो सकती है। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें फॉर आवर एक्शन जो हम काम करते हैं, एंड टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी और माशरे के माशरे में कंट्रीब्यूट करें। थ्रू आउट आवर वर्क हम ऐसी स्किल्स सीखें जिससे हम अपने माशरे में काम करके उस माशरे की फलाहों के बूथ के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकें। हमें ऐसी जरूरी स्किल्स जरूर सीखनी चाहिए। क्रिमिनल्स आर दूज हु फेल टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ऑनेस्ट लेबर। मुजरम वो लोग होते हैं जो कि एक ईमानदाराना मजदूर की कदर को नहीं जान पाते। एज आर ग्रीडी बिजनेस एग्जेक्टिव, जैसे कि एक लालची बिजनेसमैन हो गया जो कि अमीर है, हु एक्सप्लॉइट द लेबर ऑफ अदर, वो दूसरों के जो लेबर है उसको एक्सप्लॉइट करता है। गैम्बलर्स हु डोंट ट्रस्ट देयर ओन अबिलिटी एंड मस्ट देयरफॉर वर्शिप लक। अब गैम्बलर्स जो होते हैं ना वो इत्मार नहीं करते अपनी सलाहितों पर, वो बल्कि ये कहते हैं जो कुछ हो रहा है, जो किस्मत में लिखा है वो उसी को पूछते रहते हैं। आल्सो फेल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थी वर्क, वो भी नाकाम हो जाते हैं एक सेहतमंदाना काम की जरूरियात को पूरा करने में। फाइनली द प्रॉब्लम ऑफ लव, अब सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थी लव। लाकम तल उसने कहा था प्रॉब्लम ऑफ लव डिमांड दैट वी ट्रीट आवर लव्ड वंस विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब मोहब्बत जो होती है वो ये मांगती है कि हम जिससे प्यार करते हैं ना उसको इज्जत और वकार के साथ ट्रीट करें, ये डिमांड है लव की। मैच्योर लव इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। अब जो एक मैच्योर लव होगा ना वो मुश्तमिल होगा तावन पे, इत्माद में, बिटवीन द पार्टनर जो दो पार्टनर्स के दरमियान हुए, एंड ट्रीटिंग वन एंड अदर एज इक्वल, और दोनों ही एक दूसरे को इस तरीके से ट्रीट करेंगे जितनी रिस्पेक्ट वो दे रहा है दूसरे बंदे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा रिस्पेक्ट दिए जा रहा है दूसरा बंदा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा या उसकी केयर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि जी आप मैच्योर लव की तरफ नहीं है। जबकि मैच्योर लव जो होता है उसमें हम एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते हैं। एडलर बिलीव फर्दर दैट लव इज फुलफिल्ड इन मैरिज। एडलर का ये मानना था कि जो लव होता है वो मुकम्मल होता है शादी की सूरत में। अगर तो शादी नहीं हुई तो इसका मतलब इससे पहले आपका कोई लव लुक नहीं था, वो आपकी एक इमोशन थी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो गई। अगर तो शादी हो गई तो आपका लव कंप्लीट होगा मैरिज की सूरत में, इन सच अ यूनियन, इस तरह के इत्तेहाद में। बिलीव फर्दर दैट लव इज सॉरी इन सच अ यूनियन देयर इज एन इंटीमेट डिवोशन टू अ पार्टनर, तो आपका एक यानी कि फिजिकली रिलेशनशिप डिवेलप हो जाता है एक्सप्रेस्ड इन फिजिकली अट्रैक्शन। अब जो आपकी मोहब्बत है वो इस तरीके से आप शो करवाते हो अपने दूसरे पार्टनर को, वो फिजिकली तौर पे अट्रैक्शन के जरिए, इन अ फ्रेंडशिप एक दोस्त के तौर पे, एंड इन द डिसीजन टू हैव चिल्ड्रन, और आने वाले वक्त में बच्चों की ख्वाहिश करके या बच्चों का या सोच के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे होंगे शादी के बाद, जब ये सारे प्लान। अगर तो कोई ऐसा बंदा है जो शादी के बाद ये कहे कि जी मैंने बच्चे नहीं लेने, इसका मतलब ये है कि वो मैच्योर लव नहीं है। उसके बाद आ जाता है मोस्टली फीमेल्स अक्सर ये वाली बात करती हैं कि जी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बच्चे नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि उनका जो लव है वो ट्रू नहीं है, मैच्योर नहीं है। अब इसमें आ जाता है द आउटकम ऑफ द यूनियन इज अ कोऑपरेशन। अब इत्तेहाद का जो आउटकम है वो क्या होगा, ताबुन होगा, नॉट ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द टू पीपल, ना सिर्फ दो लोगों की फलाहों के बूत के लिए, बट आल्सो विद द बर्थ ऑफ द प्रिंग, नई नस्ल लेने वाले बच्चे का, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो हमारे माशरे में लोग रहते हैं उनकी फलाह बहबूद में भी अहम रोल होगा। अगर यानी कि नई नस्ल का हम जो नया बच्चा है जो नया नस्ल हमारी शुरू होगी वो ह्यूमैनिटी की फलाह बहबूद में भी
ये अहम रोल अदा करने की तरफ एक स्टेप होंगे। इंटरेस्टिंगली दिलचस्पी से एडर थॉट दैट इन सच अ रिलेशनशिप, ऐसे जो तल्लुकात होते हैं, देयर वुड बी नो एंड, इसका कोई इख्तिताम नहीं होता। इन द पार्टनर सेक्सुअल अट्रैक्शन, अपने पार्टनर के साथ जिनसी जो आपकी अट्रैक्शन होता है उसका एंड नहीं होता। ये नहीं कि 5 साल के बाद आप सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, थ्रू द लाइफ चलता है टू द अदर, बिकॉज दे वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन वन एंड अदर, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेस्टेड रहते हैं एंड कंसर्न विद देयर पार्टनर वेलफेयर, और एक दूसरे की फलाह बहबूद के लिए अहम रोल अदा करते हैं। इन हिज व्यू, उसके नजरिए के मुताबिक, पीपल हु इवेड देयर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाले लोग जो अपनी अजवाजी जिंदगी की जिम्मेदारियाँ हैं उनसे कतराते हैं या उनसे जान छुड़वाने के लिए इन छुड़वाते हैं बाई इंगेजिंग इन सेक्सुअल अफेयर्स आर ओवर्ट, वो दूसरों के साथ जिनसी तल्लुकात में मसरूफ होकर वो अपनी अजवाजी जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं। दे लेक द कर्ज, उनमें जुर्रत नहीं होती एंड कॉन्फिडेंस, और उनमें तमाद नहीं होता टू अप्रोच द डिमांड, जो उस वक्त की डिमांड होती है वहां तक पहुंचने के लिए। एंड इनविटेबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैरिज डायरेक्टली, और इसका नतीजा क्या है कि ब्राह रास्त वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में तनाजात खड़ा करना शुरू कर देता है। कमिटमेंट टू द मैरिज पार्टनर इज नेसेसरी, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, शादी की शराकत दारी में कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड पेशेंस और सब्र विद द पार्टनर, पार्टनर के साथ, एंड एक्सेप्टेंस और उसको कबूल करना, एक्सेप्टेंस ऑफ हिम और हर, दोनों तरफ से, मेल की तरफ से भी और फीमेल की तरफ से भी एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। इसके अलावा आ जाता है कि जी इज द फाउंडेशन अपॉन विच सक्सेसफुल मैरिज इज बिल्ड, ये वो बुनियाद होती है जिसकी बेस पे हम एक कामयाब शादीशुदा लाइफ गुजार सकते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है काइंडली आप इसकी एक रीडिंग ले लें, अगर किसी को कोई इशू है तो वो आप बता दें। है किसी को कोई इशू? बोला भी करें नहीं सर। सर आप लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करते? रिकॉर्ड हो रहा है सर, यहाँ पे शो नहीं ना हो रहा, रिकॉर्ड होता हुआ नहीं शो हो रहा, ये ना होगा, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया ही ना हो रहा, लगा हुआ सर हो रहा है, हाँ जी रिकॉर्डिंग पर ही है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक उसकी तरफ आते हैं। इसमें आ जाता है पेरेंटल इन्फ्लुएंस इन अर्ली चाइल्डहुड। एडलर का ये मानना था कि वालदैन, चाहे वो शोहर हो चाहे वो बीवी हो, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं बच्चे के इब्तदाई बचपन में। दे हेल्प शेप द डिवेलपमेंट ऑफ देयर डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ द लाइफ, वो उनकी मदद करते हैं उस बच्चे की एक मुनफरदाना जो उसका जिंदगी गुजारने का स्टाइल होगा उसमें, और जो उसने अपने लिए गोल सेट किए हैं उनको अचीव करने में वो उस बच्चे की मदद करते हैं। ख़ास तौर पे जो मदर होती है ना, वो बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि वो सबसे पहले बच्चे के करीब आती है, उसके साथ इंटीमेट कॉन्टेक्ट करती है, और बच्चे के साथ इस वजह से उस वो पहला बंदा होता है जिस पर बच्चा जो है तमाद करना सीखता है कि जी। शी इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू सोशल लाइफ, वो ही बच्चे को माशरती ज़िंदगी के बारे में बताती है। इफ़ शी लव द चाइल्ड, अगर वो बच्चे से प्यार करती है, शी इज़ मोर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन टीचिंग हिम,
तो वो ज्यादा कोशिश करेगी कि वो इस चीज में दिलचस्पी रखेगी कि वो बच्चे को जितने भी स्किल्स है महारत है वो सिखा सके उसको, एंड नेसेसरी टू सिक्योर हिज वेलफेयर और उसकी फ्लाव बहबूद को के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं या महारत है वो उसे सिखा सके और एक उस्तादा के तौर पे उस्तादा की हैसियत से भी उसका रोल अहम होता है उस्ताद की हैसियत से सिखाने में। इफ शी इज डिससेटिस्फाइड विद हर रोल, अगर वो अपने रोल से डिससेटिस्फाइड है मुतमिन नहीं है, शी मे बी प्री ऑक्यूपाइड विद ट्राइंग टू प्रूव हर ओन पर्सनल सुपीरियरिटी बाय शोइंग दैट हर चाइल्ड, तो वो ये करना शुरू कर देगी कि उसका बच्चा बहुत ज्यादा ज़हीन है, बहुत ज्यादा लुकिंग है, बहुत ज्यादा वो तो सबसे पहले उसने चलना शुरू किया और दूसरे बच्चों की निस्बत इस तरह से वो अपने आप अपने सिक्योरिटी शो करवाने की कोशिश करेगी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मोस्ट चिल्ड्रन रिएक्ट एडवर्सली टू सच प्रेशर, बदकिस्मती से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिन पे ये बुरा असर पड़ता है, एंड द टिपिकल रिजल्ट इज हॉस्टैलिटी एंड रिसेंटमेंट, जिसका नतीजा क्या निकलता है उनमें एक नफरत और जहरियत आ जाती है। फॉर द फादर द प्राइमरी टास्क इज टू प्रूव, अब बाप के लिए जो बुनियादी मकसद होता है वो ये साबित करना होता है दैट ही इज वेल्थ वाई वुमेन बींग बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ हिज वाइफ, तो वो इस काबिल कि वो इस काबिल कि वो काबिल इंसान है जो कि अपनी बीवी की फलाह बहबूद के लिए अहम रोल अदा कर करता है। हिज चिल्ड्रन उसके बच्चे एंड हिज सोसाइटी और उसके माशरे में उसका रोल बहुत अच्छा है। फर्दर मोर ही मस्ट ट्रीट हिज वाइफ एज एन इक्वल, इसके साथ साथ वो अपनी बीवी को इक्वलिटी पे डील करता है, यानी कि जितना वो अपने आप को समझता है कि मैं हूँ उतना ही अपनी बीवी को उसने रखा हुआ है। एंड कोऑपरेट विद हर इन मीटिंग और द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, और जिंदगी में अगर उसकी बीवी को कोई भी मसाइल का सामना करना पड़ जाए तो वो उसके साथ तावन करता है उस मसले को हल करने में। ऑफ कोर्स शी मस्ट आल्सो वैल्यू हिम एज एन इक्वल, यकीनी तौर पर उसको उसके वैल्यू देनी चाहिए प्रॉपर्टी की। दे मस्ट बोथ एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव रोल, इस तरह से वो दोनों ही एक तमीरी किरदार सारा अंजाम दे रहे होंगे तमीरी रोल मॉडल की तरह, एंड टीचर और उस्ताद की हैसियत से अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे। इफ द मदर इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द अफेक्शन ऑफ हर चिल्ड्रन एंड फोर्स द फादर टू बी द सोल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पनिशमेंट फॉर देयर मिसडीड, अच्छा जी अब अक्सर क्या होता है कि माँ जो होती है ना वो इस डर के हमारे बच्चों को कुछ कहती नहीं कि ये ना हो बच्चा मुझसे नफरत करना शुरू कर दे या मैं उसका प्यार खो दूँ। वो बच्चा जो होता है वो बालक वो फिर माँ जो होती है वो बाप को कहती है कि जी आप ही इस पे सख्ती करें जब भी ये कुछ गलत करता है, क्योंकि उसके दिल में एक डर होता है कि अगर मैं सख्ती करूंगी तो बच्चा मुझसे नफरत ना करना शुरू कर दे या मुझे मैं इसका प्यार ना खोलूं, इसलिए वो वालिद को यानी कि सारे जिम्मेदारी दे देती है और वालिद जो है अपने बच्चे की नज़र में ये बन जाता है कि ये वो बंदा है जो मुझे मारता रहता है। शी इज नॉट फुलफिलिंग हर ऑब्लिगेशन, हकीकत में वो अपना फरीजा सर अंजाम नहीं दे रही एज अ वाइफ बीवी की हैसियत से एंड मदर माँ की हैसियत से, एंड इज एक्टिंग वो एक्टिंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑन द यूजलेस साइड ऑफ द लाइफ, जिंदगी के उस पहलू पे जो कि किसी काम नहीं आने वाला। शी इज गिल्टी, वो मुजरम है ऑफ द पैम्परिंग हर चिल्ड्रन, क्योंकि वो अपने बच्चों को पैम्पर कर रही है, ज्यादा उसकी देखभाल कर रही है, प्यार कर रही है, वो अपनी ही नज़र में अब मुजरम बन जाती है अपने बच्चे की, बिकॉज ऑफ हर ओन वीकनेस अपनी ही कमजोरियों को, एंड ऑफ एक्सप्लोइटिंग हर हस्बैंड। द सेम आर्गुमेंट वुड अप्लाई टू अ हस्बैंड हु पैम्पर्ड हिज चिल्ड्रन, यही वाली ऊपर जो दलीलें दी गई हैं ये एक शोहर के लिए अगर वो अपने बच्चे को इस तरीके से मोहब्बत से
डील करने की कोशिश करेगा. Consider a research providing empirical support for adult view on the dynamics of family life. अब बहुत सी तहकीकात पे एडर के व्यू को यानी कि अहमियत मिली है कि जी फैमिली लाइफ में बहुत सी कुवतें होती हैं एंड सोशल इंटरेस्ट और माशरती दिलचस्पी की. इट इज़ ओनली विद इन द रियलम ऑफ केयरिंग एंड इनकरेजिंग फैमिली इन्वॉल्वमेंट वेयर पेरेंट्स आर हेल्पफुल एंड सपोर्टिव ऑफ वन एंड अदर. वो कह रहा है ये एक वो जगह होती है जहाँ मोहब्बत एहतियात यानी कि उसकी केयर करके और उसको हौसला अफजा फैमिली इन्वॉल्वमेंट के अंदर ही आप पेरेंट्स जो है एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे के लिए खुले होते हैं, एक दूसरे के लिए ईमानदार होते हैं एंड डोंट हैंडल डिफिकल्टी थ्रू. लिखना है पैड लेते हैं अब वो कह रहा है कि ये सारी चीजें और इसके साथ एंड डोंट हैंडल डिफिकल्टी थ्रू कंफ्लिक्ट और जो मुश्किलात आती है उसको तनाजात के साथ या गुस्से के साथ हैंडल नहीं करना. डैट चिल्ड्रन बिगेन टू डेवलप देयर सोशल इंटरेस्ट के बच्चे उसको माशरती तौर पर दिलचस्पी लेके सीख लें. बर्थ ऑर्डर एडलर का ये मानना था और टू फैसला एक मिनट जरा होल्ड कीजिए. हाँ जी और उसमें आ जाता है हमारे पास कहाँ थे हम. हाँ जी बर्थ ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ना था. एडलर बिलीव दैट ईच चाइल्ड इज ट्रीटेड यूनिकली के हर बंदे को एक मुनफरद अंदाज में ट्रीट किया जाता है बाय हिज और हर पेरेंट्स एंड दैट दिस स्पेशल ट्रीटमेंट इज टिपिकली उसके माँ बाप जो होते हैं ना अपने हर बच्चे को एक खास तरीके से उसको ट्रीट कर रहे होते हैं. ये एडलर का बिलीव था यूनिकली वो ट्रीट कर रहे होते हैं एंड दैट दिस स्पेशल ट्रीटमेंट और ये खास किस्म की ट्रीटमेंट होती है बट नॉट इनविटेबली रिलेटेड टू द चाइल्ड ऑर्डर ना कि इसका इनसार इसकी भी होता है कि बच्चे का बर्थ ऑर्डर कौन सा है वो पहला बच्चा है वो दूसरा है या तीसरा है इस चीज पे इसका इनसार नहीं होता विद इन द फैमिली के अंदर. ऑल्दो एडलर प्रपोज दैट अ चाइल्ड ऑर्डर ऑफ बर्थ इन द फैमिली प्रोवाइडेड क्लूज लेकिन फैमिली के अंदर एक जो बर्थ ऑर्डर है बच्चे का वो कुछ क्लूज दे देता है कि इसकी जो पर्सनैलिटी की डिवेलपमेंट है वो किस सिमत में होगी. ही डिड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द ऑर्डर ऑफ बर्थ उसको इस बात पर यकीन नहीं था. ही डिड नॉट बिलीव इस बात पर यकीन नहीं रखता था कि बर्थ ऑर्डर पर दैट कॉज द बिहेवियर एसोसिएटेड विद इट कि बर्थ ऑर्डर के साथ कुछ बिहेवियर जो हैं वो एसोसिएट होते हैं कि अगर इसका पहला नंबर है तो डेफिनेटली ये इसी तरह करेगा इस चीज पे उसका यकीन नहीं था. इंस्टेड इट वाज द यूनिक सेट ऑफ एक्सपीरियंस जैसे कि ये एक खास किस्म का सेट होता है पीयर बात का विद इन द फैमिली के अंदर दैट हैड इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर डिवेलपमेंट और जो कि बहुत ज़्यादा अहम इम्प्लीकेशन रखता है डिवेलपमेंट के अंदर. Although the child order of birth served as the rough indicator of likely experience, आम तौर पे जब बच्चे का बर्थ ऑर्डर होता है ये हमें रफ सा इंडिकेटर तो दे सकता है दिस क्रूड असेसमेंट और इसको हम असेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं कुड बी मिसलीडिंग इसको हम असेसमेंट के लिए अगर हम एज अ टूल यूज करेंगे तो ये हमें मिसलीड कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल If the oldest child in a family was this
एडवांस चीज, अगर सबसे बड़ा बच्चा है फैमिली के अंदर वो डिसएडवांटेज चीज ले रहा था बिकॉज ऑफ द ब्रेन डैमेज, अगर उसका ब्रेन डैमेज होने की वजह से सफर फ्रॉम ड्यूरिंग बर्थ, वो बर्थ के वक्त उसने सफर किया, द सेकंड चाइल्ड माइट बी ट्रीटेड बाय द पेरेंट्स एज इफ ही और शी वाज एक्चुअली द अदर, तो वो उसी तरह से बच्चों को ट्रीट करेंगे जैसे कि एक बड़े बच्चे को ट्रीट किया जाता था उसी तरीके से। इफ टू चिल्ड्रन वर बोर्न, अगर दो बच्चे पैदा होते हैं मच लेटर बाद में, देन देयर थ्री ओल्ड एल्डर सिबलिंग्स, तीन बच्चों के बाद अगर दो बच्चे पैदा होते हैं तो वो ऊपर वाले तीन बच्चों की तरह ही उसे ट्रीट करेंगे। माय ट्रीट देम एज इफ दे वर फर्स्ट एंड सेकंड बोर्न ऑन इफ थॉट दे वर एक्चुअली द फोर्थ एंड फिफ्थ बोर्न इन द फैमिली ऑफ फाइव चिल्ड्रन, कि जिस तरह वो पहले बच्चों को उन्होंने ट्रीट किया उसी तरीके से वो उन्हें भी ट्रीट करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप सेकंड वाले पैराग्राफ में आ जाए, उसमें अनदर फैक्टर जो कि एक और फैक्टर है विद इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसी जिसके बहुत अहम नतज आए हैं फॉर द डिवेलपमेंट, डिवेलपमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू एडर इज द सेक्स ऑफ द सिबलिंग, आया वो बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है, इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। इन हिज व्यू इसका एडर का ये मानना था अगर तो एक लड़का हो फैमिली में बाकी सारी लड़कियां हों तो लड़के को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, उसकी ग्रोथ जो है वो आइसोलेटेड होगी, वो लड़कियों के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अकेला लड़का है तो उस तरीके से अपने आप को मैनेज करना पाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें ज़्यादा जो आते हैं वो लड़कियों वाली आ जाए, कि अगर वो लड़कियों के अंदर क्या अगर वो लड़कियों के साथ ज़्यादा खेलता रहा, यानी कि घर में सारी बहनें थी, अक्सर हम कहते हैं कि मैं अक्सर अगर मैं इस तरह चलता हूँ या मैं इस तरह बोलता हूँ ये इस वजह से क्योंकि मेरी सारी बहनें हैं और मैं उनके अंडर ही था तो इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें सीख ली हुई हैं, तो उनमें जो यानी कि फीमेल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह एक लड़की के साथ अगर उसके सारे के सारे भाई हो और वो लड़की पैदा हो जाए और वो अकेली हो तो वो क्या सीखेगी, वो लड़कों वाली आदतें सीख जाएगी, लड़कों की तरह उठना बैठना सीख जाएगा, उसका बोलने का लड़कों वाला हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस बहस का ये जो हमने बहस की है ऊपर इसकी जो हमें एक सोफिस्टिकेटेड सेट ऑफ आर्गुमेंट मिला है, सिंपल क्रोनोलॉजिकल बर्थ ऑर्डर गिव इट्स ईज ऑफ असेसमेंट, उसने कहा जो बर्थ ऑर्डर है वो हमें असेसमेंट में मदद फ्राहम करता है, आसानियाँ फ्राहम करता है। इज मोस्ट ऑफन यूज एज द मेजरमेंट ऑफ द चॉइस बाय रिसर्चर, रिसर्चर की तरफ से ये किसी भी डिवेलपमेंट को मेजर करने के लिए बेहतरीन चॉइस होती है, इंक्लूडिंग द रिसर्च रिपोर्टेड है, जैसे कि नीचे रिसर्च रिपोर्टेड रिसर्च एक रिपोर्ट हुई है उसमें भी यही वाली बातें की गई हैं, द अल्डेस्ट चाइल्ड टेंड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, वो वाला बच्चा जो सबसे घर में बड़ा होता है हर एक की तवज्जो का मरकज होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ द अदर सिबलिंग, जब तक दूसरा बच्चा उनके फैमिली में ना आ जाए, विद देयर बर्थ उसकी पैदाइश के साथ ही और शी इज प्लेस्ड इन द पोजिशन ऑफ डिथ्रोन्ड मोनार्च फोर्स्ड, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो बादशाह बन जाता है अपने घर का जैसे ही वो इस दुनिया में आता है, और शेयर पेरेंटल अफेक्शन एंड अटेंशन विद अदर, और सारे ही उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, उसकी फैमिली की तवज्जो भी उसी की तरफ होती है क्योंकि वो अकेला चाइल्ड है, विद द उसके बाद आ जाता है एज अ कंसिक्वेंसी द ओल्डेस्ट चाइल्ड मे फील रिसेंटमेंट एंड हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द यंगर वन, अगर एक नया बच्चा पैदा हो गया है तो जो यंगर चाइल्ड होगा जो ओल्डेस्ट चाइल्ड होगा यानी कि पहला बच्चा होगा उसकी नेगेटिव फीलिंग या हॉस्टिलिटी जारहाना फीलिंग होगी अपने छोटे भाई की तरफ, such negative feelings are likely to occur if the parents have not properly prepared, ye usko uski negative feelings ho sakti hai zyada agar to maa baap ne usko sahi tarike se new bacche ke bare mein sahi tarike se manage na kiya ho, usko bataya na ho ki is tarah aapka ek bhai hai ek behan aane wali hai, is tarah se koi usko mukammal na bataya gaya ho, however if they have made adequate preparation agar to unhone acche tarike se usko taiyar kiya hoga bade bacche ko, may adopt a protective and supportive attitude, तो वो उसकी देखभाल और उसको सहारा देने वाले
उसमें रवैया ज्यादा होगा छोटे बच्चे को, अगर उसे प्यार किया होगा बड़े को तो वो उसकी देखभाल भी करेगा, उसको सहारा मिलेगा। एंड विल ऑफन प्ले द पार्ट ऑफ द फादर, और कई जगहों पे वो बाप का रोल भी अदा करेगा और माँ का रोल भी अदा करेगा उस छोटे बच्चे के लिए जो उसका भाई होगा या बहन होगी। एंड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलफेयर, और उसकी फलाह बहबूद का भी वो जिम्मेदार होगा। अकॉर्डिंग टू द एडर, द ओल्डेस्ट चाइल्ड अंडरस्टैंड बेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, जो बड़ा बच्चा होता है ना वो बेहतर तरीके से समझ सकता है कि उसकी अहमियत क्या है, ताकत क्या है और वो अथॉरिटी उसके पास क्या है। बिकॉज ही शी हैज हैड अंडर गो देयर लूज विद इन द फैमिली, क्योंकि उसने फैमिली में नुकसान को होते हुए देखा होता है। कंसिक्वेंटली नतीजा तन द ओल्डेस्ट चाइल्ड विल बी हाईली सपोर्टिव, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है एंड डिपेंड ऑन, और उस पर ही इंसार किया जाता है, अथोराइज इन लेटर लाइफ, और जिंदगी में बाद में उसके ही जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती है। एंड विल बी अ पर्सन हु टेंड